नमस्कार, मैं मोहम्मद परवेज आलम लाइव इंडिया हरपल खलारी से। मैं अभी इनके एरिया के रोहिणी परियोजना प्रोजेक्ट ऑफिस के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर लोक सुनवाई चलाई जा रही है कलेक्टर के द्वारा, एडिशनल कलेक्टर के द्वारा, रामरीच महतो के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर इनके एरिया के GM हमारे पहुँचे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे खलारी ब्लॉक के CO व BDO भी पहुँचे हुए हैं और भी अन्य अधिकारी पहुँचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है, एक तरफ जहाँ लोक सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर लोक सुनवाई का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मैंने बताया कि यहाँ पर एक तरफ विरोध किया जा रहा है लोक सुनवाई का, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं यहाँ के मुखिया के द्वारा कि आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है। हम लोग को रोहिणी विस्तारीकरण के विषय में बताया गया कि 15 हेक्टेयर ही जमीन देना है, और जब हम लोग आके वहाँ देखते हैं और बात होता है 67 हेक्टेयर का, तो हम लोग को साथ में सोशल धोखा दे रहा है। हम लोग ग्रामीण को धोखा देने का काम किया जा रहा है। हम लोग का कोई विरोध नहीं है, 15 हेक्टेयर में हम लोग तैयार हैं। और जो एक और मुद्दा है, हम लोग का जो यहाँ का ग्रामीण लोग है आर साइड में नहीं जाना चाहते, वहाँ खनन किया गया है, वहाँ पर न बसा के इन लोगों को कहीं और जगह दिया जाए, अच्छा जगह जहाँ पर रहें, पानी निकले, कुआं खोदने का सुविधा हो, बोरिंग हो सके, आवागमन का सुविधा हो, ऐसा जगह बसाया जाए ग्रामीणों से। बधूप बस्ती का और अगरवा बस्ती, बिरसा नगर, गंजू टोला, नवाडी, सब ग्रामीण का यही मांग है कि ये लोग को बसाया जाए वही जगह पर जो ये लोग मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सीसल का हम लोग जमीन देते हैं तो ऐसा नहीं, बस यही हम कहना चाहते हैं कि ये लोग को सही जगह मिले। हम लोग तैयार हैं सब चीज़ में, हम लोग कोई विरोध में नहीं है, हम लोग अपने हक के लड़ाई के लिए यहाँ पर। लड़ाई लड़ने से हम लोग को कोई फायदा नहीं होगा। CCL है तो हम लोग हैं, कोयला है तो पूरा जहाँ उजागर होगा, मेरा दिल्ली जो शहर है वो उजागर, यहीं के कोयला से उजागर होता है, तो यहाँ के गरीब लोग कैसे गरीब रहेंगे। यहाँ पर ठगा जाता है, यहाँ का कोयला से पूरा देश गदगद है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, बहुत बड़ा बड़ा शहर है, तो ये लोग को भी देखा जाए एक नज़र। रोहिणी जनसुनवाई विस्तारीकरण में लोग बस्ती के विस्थापित करना है, इसके लिए हम लोग सभी जनसुनवाई रोहिणी परियोजना में उपस्थित हुए हैं। आज विरोध करने का, आज जनसुनवाई का हम लोग का मुख्य कारण है कि CCL प्रबंधन द्वारा जब हम लोग मौखिक बात करते थे तो बोलते थे कि 15 हेक्टेयर में खनन कार्य हम लोग करेंगे, उसी में जनसुनवाई करना है। लेकिन जब हम लोग यहाँ बैनर में देख रहे हैं जो निमंत्रण पत्र बांटा गया है उसमें 67.51 हेक्टेयर में जनसुनवाई का काम किया जा रहा है, तो हम लोग का कहना है कि 15 हेक्टेयर की आप बात करते हैं और जनसुनवाई आप 67.51 हेक्टेयर में जनसुनवाई कर रहे हैं, लेकिन वो क्षेत्र कौन क्षेत्र है डीमार्किंग करके हम लोग को नहीं बताया गया। तो डीमार्किंग एरिया जब तक हम लोग को नहीं पता होगा कि कहाँ से कहाँ तक आप कर रहे हैं, इस तरह में हम लोग को दिग्भ्रमित करके जनसुनवाई करवाया जाने का हम लोग का अंदेशा है। CCL प्रबंधन को पहले चाहिए था कि हम लोग को वो डीमार्किंग एरिया करके पूरा दिखाते, तब हम लोग को समझ में आता कि कहां से कहां तक आप ले रहे हैं। यही हम लोग का मुख्य कारण है कि आज जनसुनवाई का हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा चीज़ जो यहां 60 परिवार को विस्थापित करना, यहां 2 टोला था है ना, एक पेट था और एक ढूब था। पेट बस्ती आपका 1992 में विस्थापित किया गया और उसको धमधमिया में -2 तल्ला में पुनर्वास किया गया। उन्हीं के कुछ लोग जो बगल में भी 60 परिवार में जो है, इन लोग का भी एक ही टोला था, तो इन लोग का भी यहाँ जमीन था, इन लोग भी घर बनाया कुछ आके जो उस साइड में आपको रोड के उस साइड में जो दिख रहा है। लेकिन प्रॉपर जो एरिया ढूब जो बस्ती है वो ये लोग हैं, और ये लोग का मांग है कि भाई जो 25 नंबर जो स्टॉक कोल डंप में एरिया है जो 50 फीट लगभग ऊंचा है वो भी गिराया हुआ, उसमें इस लोग को पुनर्वास करने की बात करती है।
जहाँ पर पहले आग लगा हुआ था उसको अभी उठा दिया गया है और वहीं वर्तमान में पानी डाला गया है और बोलता है कि उसमें पुनर्वासित हुई, जिसमें न पानी निकलेगा और न ही किसी प्रकार का वहाँ कुआं खोदा जा सकता है, न डीप बोरिंग हो सकता है। इन लोगों का मांग है कि भाई हम लोग कहीं जिस तरह से हम लोग जमीन दे रहे हैं उसी तरह हम लोग को जमीन दिया जाए, है ना। तो प्रबंधन के कहना है नहीं, वहीं जाना है, मेरे पास दूसरा कोई जमीन ही नहीं। तो बताइए आप लोग कि वहाँ क्या जीविका जीने लायक मनुष्य हम लोग है कि वहाँ काला पानी की सजा देने के लिए, ये भी एक विरोध है। और कुछ पक्ष लोग हैं जो बोलता है कि वहाँ हम जाना चाहते हैं, जो पहले चूज कर चुके हैं वहाँ विस्थापित कॉलोनी ले चुके हैं वही अभी नेतृत्व कर रहे हैं। तो हक तो बनता है, जो ढूप बस्ती के पहले के हैं लोग हैं उससे जो चाहेंगे जहाँ ये लोग जाना चाहते हैं उसके राय से चलना चाहिए, लेकिन प्रबंधन उसमें प्राथमिकता नहीं दे रहा है। और बहुत सा यहाँ हम लोग भी यहाँ विस्थापित हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रबंधन तो विस्थापित करके कहीं पुनर्वासित कर देता है, लेकिन ये पर्यावरण के भी दृष्टिकोण से देखा जाए यहाँ हम लोग जब से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ लगभग जब से होश संभाले तब से आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग बोलते हैं कि यहाँ जितने खनन कार्य हो रहा है वहाँ समतलीकरण किया जाए, और समतलीकरण करके यहाँ जिस तरह के हमारे प्राकृतिक वन यहाँ था उस तरह वन का यहाँ पौधा लगाया जाए, पेड़ लगाया जाए। लेकिन यहाँ देखते हैं कि कहाँ से यहाँ चकोड़ लगा देगा तो चकोंदी लगा देगा तो क्या लगा देगा, जिससे हम लोग को पर्यावरण पर भी बहुत दूषित पड़ रहा है। साथ ही साथ हम लोग का जो इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ हम लोग पुनः यहाँ बसना चाहेंगे, घर बनाना चाहेंगे, तो ये पहाड़ जो बना दे रहा है तो इस तरह में हम लोग किस तरह से यहाँ रहेंगे। तो हम लोग का दूसरा तीसरा मांग यही है कि यहाँ समतलीकरण किया जाए ताकि हम लोग पुनः वहाँ बसे। यह हम लोग 20-30 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन प्रबंधन उस पर कभी काम नहीं कर रहा है। तो बताइए हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन भाई जिस तरह से पूर्व में जमीन था उस तरह कर दीजिए, हम लोग को स्वरोजगार के लिए कुछ डेवलपमेंट कीजिए, है ना, चाहे CSR फंड हो, DMFT फंड हो, हम लोग विस्थापितों पर खर्च किया जाए, लेकिन हम पर उसको कोई प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। पूरा रांची में CSR फंड का हुआ, DMFT फंड का खर्च किया जाता है और विस्थापित परिवार को कोई प्राथमिकता नहीं दिया जाता। तो ये सब बहुत सा कारण है ना। हम लोग को जब तक विकास करने के लिए पूरा स्वरोजगार से लेकर हर तरह से हम लोग को प्रशिक्षित नहीं करने का प्रयास करेगा तो यही होगा। बाहरी लोग कुछ नेतागिरी लोग करते हैं उसको प्राथमिकता देता है, जो लोकल लोग उसको नहीं देता है, यही विरोध करने का अच्छी है। मुखिया लोग हमारे आए, इन लोग को हम 10 बजे से बैठा के रखे हैं और जब मंच में आए तो हम लोग को नीचे बैठाया गया प्रतिनिधि लोग को, और जब सारा लोग का बैठने से जगह बच गया उसके बाद हमारे लोगों को बोला गया प्रतिनिधि लोग की भैया आप लोग भी आ जाओ। तो यही लगता है कि बस खाना बना सब कोई खा के बच गया तो बोलता है कि नहीं आप लोग भी खा लीजिए, किसी लोग इन लोग भी बहिष्कृत किए, जो हमारे भाई चुने हुए मुख्य प्रतिनिधि हैं उन लोग को भी सम्मान नहीं दिया गया, ये भी एक कारण है कि बहिष्कार करने के लिए। यही सब बात है ना मुख्य, धन्यवाद। आज रोहनी में जन सुनवाई था, उसमें हम लोग सभी मुखिया लोग आए हुए थे, ट्यूब और पेट पेट का जो विस्तारीकरण होना था उसमें 15 हेक्टर की बात हुई थी, लेकिन आज यहाँ 67 हेक्टर बोला जा रहा है। इसलिए जनता आक्रोश में है कि हम लोग को कहीं किसी तरह का बहला फुसला के फंसाया जा रहा है बोल के सभी जनता विरोध कर रहे हैं। और यहाँ का जनता का कहना है ग्रामीण का कि मान लिया हम लोग का जमीन ले रही है तो हमारे लिए जो भी बच्चों का शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए सभी विधि व्यवस्था होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ जमीन के लिए NOC देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। जनता इसीलिए आपको धन्यवाद। जिस तरह से देखा जा रहा है कि रोहनी के ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा, वहाँ पर जैसे कि जाना गया है कि प्रबंधन की ओर से देखा गया है कि 67 हेक्टेयर जमीन दिखाया जा रहा है लेने की बात, लेकिन यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि 15 हेक्टेयर ही जमीन उनकी है। और इस तरह से जो विरोध चल रही है, इनका कहना है कि अगर प्रबंधन के द्वारा सही से काम नहीं किया गया तो इनका हमेशा हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद।